हार्डवेयर यूटिलाइजेशन उतनी ही वो चीज़ रिकॉर्ड करेगी, वैसे नहीं करेगा कि पूरे का पूरे जो एरिया को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, जिस तरह वो कहते हैं कि जिस तरह वो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह थिन प्रोविजन है, थिन प्रोविजन एग्जैक्टली, थिन प्रोविजन वाला कांसेप्ट है जिसमें ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस, मतलब आपको प्रॉमिस तो है बट सिग्निफिकेंट नहीं है। जिस तरह वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन जब वो रनिंग स्टेट में होती है वो आपका हार्डवेयर यूटिलाइज करती है, जैसे वर्चुअल मशीन को बंद करते हैं वो हार्डवेयर फ्री कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वर्चुअल मशीन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हम उसे रैम, हम उसे हार्ड डिस्क, एक पोर्शन उससे डेडिकेट करके जरूर देते हैं। वो रन टाइम भी किसी और की नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि सर्वर को ऑन किया, सर्वर को किसी वीएम का सेटअप पर पुट किया तो सर्वर अपने आप चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए पहले एक हमें सेटअप तो क्रिएट करना पड़ता है वर्चुअल मशीन का। आप जिस तरह वीएम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वीएमवेयर पे पहले आपको वीएम तो बनानी पड़ती है ना। ठीक है, वीएम बनानी पड़ती है या आप आईएसओ इमेज पे जाते हैं या आप किस पे जाते हैं, ओवीए टेम्पलेट्स पे जाते हैं। ठीक है ना, अब जो ओवीए फॉर्मेट्स हैं उसके लिए तो आपको उसको डेडिकेट बताना पड़ता है, इतना हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट उसकी है, हार्ड डिस्क की है, रैम की है, सीपीयू की है, उसकी है तो सही है। डॉक्टर कंटेनर्स में ये चीज़ हमें टोटल खत्म करते हैं क्योंकि उसमें हमने खुद से हार्डवेयर डेडिकेटेड नहीं करते, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नहीं करते। नैनो सर्वर रन करें, देन उसके ऊपर डॉक्टर का एक पूरी पैटर्न है, कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, अगर वैसे नोट करना है उसकी कमांड्स है, नोट करनी तो कर लें, आपके लिए हेल्पफुल है, वो भी जाकर रन करना चाहते कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने उसको डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है, उसको देख लें। आज एक बंदे की रिक्वायरमेंट आई थी कि ठीक है, ये इसकी कुछ कमांड्स हैं डॉक्टर्स की, बेसिकली डॉक्टर्स को रन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट या डॉक्टर्स है, अदर ना डॉक्टर्स की बात नहीं करता। ठीक है, डॉक्टर्स को एक इसके साथ दोनों हाइफन यूज करके वर्जन, पहले इसके वर्जन को चेक किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है, आपने नैनो सर्वर इंस्टॉल करना है। ठीक है, देन फिर आपने डॉक्टर यूज करना चाहते हैं, अगर फर्दर आपकी कोई अपनी एपीआई, पहले डॉक्टर इंस्टॉल करेंगे सिंपल। ठीक है, डॉकर इंस्टॉलेशन करेंगे, डॉकर क्या है, सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, उसके ऊपर डॉकर टूल रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसके पैरामीटर है, पहले इसको वर्जन चेक किया जाता है, फिर इसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फिर उसका इमेज है, ठीक है, आगे पूरा इसका पाथ है। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट की साइड से खुद उठा के वो लेता रहता है इसके। ठीक है, पूरा पूरा इसको कमांड के बाद लिखना तो लिख लें। ठीक है, अगर खुद से रन करना चाहते हैं तो डॉकर को रन करके उसको पूरा दिखा दे, डॉकर उसको रन कर सकता है। देन उसके बाद अगर इसके ऊपर आपने अपनी कोई कस्टम एप्लीकेशन है तो उसको आप रन कर सकते हैं। जब वो कस्टम एप्लीकेशन रन होगी तो वो जितनी रन टाइम एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी उतना जो है वो रिसोर्सेज को वो यूज करेगी। ठीक है, और बाकी पूल में रहेगा, बाकी वो रहेगा। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन आपकी बंद होती है, ठीक है, वो उसको सर्वर को साथ ही फ्री कर देगा। ठीक है, और डॉकर रिक्वायरमेंट क्या है, डॉकर की रिक्वायरमेंट 256 एमबी मैंने कल बताया। ठीक है, ये इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। कोई भी ग्राफिकल क्लिक तो है ही नहीं, उसमें तो ग्राफिकल का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, इस तरह कोर पे। ठीक है, बेसिक सर्विसेज को सर इसकी बैकग्राउंड में चल रही होती है, बैकग्राउंड में चल रही है, मतलब डॉकर वाली एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे वो भी आपने भी शेयर में शेयर के थ्रू करा, मतलब सिंपल शेयर पे तो काम किया ना, आप शेयर पे काम करें या कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करें, ऐप एक चीज है। उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने सारा का सारा काम उस पर, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है वो एरिया जो है हमारे पास या जो बाउंड्रीज है बड़ी लिमिटेड होती है। कमांड प्रॉम्प्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट का कमांड प्रॉम्प्ट है, उसमें आप 300 कमांड रन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप स्क्रिप्ट नहीं रन कर सकते, बड़े लिमिटेड स्क्रिप्ट होते हैं वो भी, लेकिन प्रॉपर स्क्रिप्टिंग उसके ऊपर नहीं कर सकते। ये लिखना तो लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर शेल है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर शेल के ऊपर आप 1300 कमांड्स विद स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट पे स्क्रिप्ट सर उसकी क्या लिमिटेशन है? स्क्रिप्ट डिस्क पे चल जाते हैं प्रॉपर कमांड जो शेल है ठीक है, और उस पर 1300 कमांड 1300 कमांड ठीक है। जो बहुत सारे ऐसे टास्क हैं आपके सर्वर्स के ऊपर जो आप ग्राफिकली काम परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन शेल आपको पूरी एक्सेस देता है ठीक है। बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं आपके ट्रबल शूटिंग के अंदर जहाँ पे ग्राफिकली आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं होती, लेकिन थ्रू शेल आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है। एक्सटर्नल ट्रबल शूटिंग में 40-50 डिफरेंट टास्क हम शेल के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शन में ग्राफिकल ऑप्शन ही नहीं है ठीक है। और सर्वर साइड में भी सेम ऐसे क्योंकि शेल जो है उसके पास कंप्लीट सर्वर का कंट्रोल अवेलेबल होता है हर लेवल से ठीक है। शेल विंडोज से काम करने के लिए सबसे पहले शेल विंडोज से शेल बनाया जाता है, उसके मुताबिक जीयू बना दी जाती है और वो फंक्शनलिटी के लिहाज से उतनी जीयू ही परफेक्ट नहीं होती। देखिए शेल में आप काम करते हैं तो आपके पास दो चीजें हैं, यस और नो, या वो कमांड आप रन करते हैं तो या तो ठीक चल एग्जीक्यूट हो जाएगी या तो उसमें कोई इशू होता सारी बार होता है, यस और नो आंसर देता है सीधी सीधी। ग्राफिकली हम काम करते हैं माइंड में कुछ डाउट तो जरूर आता है, पता नहीं यार ये चला ये नहीं चला, वैसे तो हमने उसको इलेक्ट्रिक कर तो दी है पता नहीं बैटरी उसमें वर्किंग हुई है कि नहीं। शेल पे या कमांड प्रॉम्प्ट में हम इस चीज़ के शोर होते हैं भाई नहीं, अगर तो कमांड प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है तो इट मींस कि इसने वर्किंग की है, शेल का ही बेनिफिट तो आपको है ठीक है। अब मैक्सिमम ने जो शेल प्रोवाइड किए हुए हैं पहले तो सिंपल पावर शेल था, अब पावर शेल ISC भी आपके पास, अगर किसी जिसना एक नया बंदा जो मैक्सिमम पे नया प्लेटफॉर्म पर स्विच हुआ है उसको एक कमांड भी नहीं रन करने आती, सिंपल ISC पे चला जाए सारी कमांड उसके ऊपर लिखी हुई है, जिस कमांड पर क्लिक करेगा वो पूरी कमांड कम्प्लीट करता जाएगा ठीक है। अच्छा जी इसके बाद